हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों ना, टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं विश्व के इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, ग्रुप डी के लिए तो मैं कोर्स कंप्लीट कवर करा ही रहा हूँ, साथ ही साथ ये सभी वीडियो NTPC एग्जाम, SSC एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट पुलिस एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। डेली रात के 8 बजे ये वीडियो लाइव होती है, जिसमें मैं आपको सिस्टमेटिक वे में टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा कोर्स कंप्लीट कवर करा रहा हूँ। अभी मॉडर्न हिस्ट्री की भी हमारी वीडियोस चल रही हैं, कल यानी कि मंडे को मॉडर्न हिस्ट्री की सभी वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है गाइज, देखिए रेगुलरिटी के साथ में, डेडिकेशन के साथ में अगर आप वीडियोज़ को देखते हैं तो सब कुछ कवर होगा, सिस्टमेटिक वे में होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और अपने दोस्तों को भी कराइए, अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर किया करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे सिस्टमेटिक वे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है, यानी कि फेबियन सोशलिज्म का घर किस देश को माना जाता है। देखिए इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, देखिए फेबियन समाजवाद का घर ब्रिटेन को माना जाता है। फेबियन समाजवाद ब्रिटेन की एक सुधारवादी विचारधारा है। फेबियन समाजवाद ब्रिटेन में 1884 में 1884 में गठित की गई थी। तो इसका सही आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1917 किसके लिए जाना जाता है। तो गाइस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। तो 1917 जो है दोस्तों रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। देखिए 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन था। तो गाइज इसका सही आंसर क्या रहेगा, मिखाइल बाकुनिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। देखिए मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ गाइस, जितने भी क्वेश्चन कवर कराऊंगा वो एग्जाम से डायरेक्ट रिलेट करते होंगे, तो आप ये तो डायरेक्ट सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए या फिर जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इनको रट लीजिए। ठीक है, या फिर अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़ने के बाद में इन वीडियोज़ को देखना स्टार्ट कर दीजिए। आपको एक ज़बरदस्त टच मिलेगा अपनी पढ़ाई में, एक स्पीड मिलेगी कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। बुक से आप डेली चीज़ों को पढ़िए, अभी जैसे हमारी हिस्ट्री चल रही है तो अपनी बुक में आपके पास जो भी बुक होगी हिस्ट्री की, आप उसमें हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, फिर आप डेली इन क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करिए। उसके बाद आप ज़बरदस्त तैयारी महसूस करेंगे, और देखिए कहीं पे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक जगह पे जब मैं सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ तो डेली क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुधार आंदोलन क्या है। तो देखिए सुधार आंदोलन क्या है दोस्तों, पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। देखिए 16वीं शताब्दी में जो सुधार का आंदोलन शुरू हुआ था वह सिर्फ ही चर्चा की परंपरागत शिक्षा और उसके शासकों, जो जिसको हम पोप के अधिकार मानते हैं, अधिकार दोनों का विद्रोह करने के, इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में बहुत सारे आंदोलन हो गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, सुधार आंदोलन क्या है। तो देखिए सुधार आंदोलन क्या है दोस्तों, पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है, इटली का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है दोस्तों। इसका सही आंसर रहेगा सफेद लिली, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है, शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल पूर्व और पश्चिम, यानी कि ईस्ट और वेस्ट के बीच तनाव। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, देखिए शीत युद्ध का अभिप्राय है पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव। पूर्वी ब्लॉक को जो देश था, जो नेतृत्व कर रहा था वो सोवियत रूस था,
और पश्चिम ब्लॉक के देशों का जो नेतृत्व कर रहा था वो अमेरिका था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, थोड़ा सा और डिटेल पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह दोस्तों किसने कहा था? बिल्कुल जॉन लॉक ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों जिनेवा, इसका सही आंसर रहेगा। देखिए क्रिस्टोफर जो था वो कोलंबस का जन्म 1451 में जिनेवा में हुआ था, ठीक है, और 1492 ईस्वी में अमेरिका को खोजने का श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस को ही जाता है। ठीक है, तो कई बार आता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो आपने सुना होगा कोलंबस, तो यही वही कोलंबस है, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है गाइस, कहाँ के थे? जिनेवा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1991 में। ठीक है, तो 1991 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, छाया मंत्रिमंडल की नीति कहाँ शुरू की गई थी? इसका सही आंसर रहेगा, कहाँ शुरू की गई थी दोस्तों? इसका सही आंसर रहेगा ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिनेगॉन खालिस्तान का पूजा स्थल था? देखिए सिनेगान जो था दोस्तों ये यहूदी धर्म का पूजा स्थल था, तो इसका सही आंसर रहेगा यहूदी धर्म का। ठीक है, तो सिनेगान जो है ये यहूदी धर्म का पूजा स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिनको कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र ग्रंथ धर्म ग्रंथ नहीं है, वह किस नाम से प्रचलित है? तो वे दोस्तों प्रचलित है बिल्कुल शीतोवाद, इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिनका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र ग्रंथ नहीं है, वह शिंतोवाद नाम से प्रचलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासीवाद का प्रमुख पक्षधर कौन था? तो इसका सही आंसर रहेगा मुसोलिन लिनी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। और ये कहाँ से थे? इटली में, इटली से थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, रोने की दीवार यानी कि वेलिंग वॉल स्थित है? इसका सही आंसर रहेगा यरूशलम में। ठीक है, तो रोने की दीवार आपका यरूशलम यहूदियों का पवित्र स्थान है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह धर्म कौन सा है जिसका विकास प्राचीन काल में
नहीं हुआ था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इस्लाम। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का विकास प्राचीन काल में नहीं हुआ था। इस्लाम धर्म की शुरुआत पवित्र शहर मक्का में पैगंबर के द्वारा 7वीं शताब्दी में हुई है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, चीन की राष्ट्रीय पार्टी दल कोमिंतांग की स्थापना की थी। इसका सही आंसर क्या रहेगा, माओ त्से तुंग ने, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था। इसका सही आंसर रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, तो ऑप्शन बी आप सही आंसर चूज करेंगे। अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था, सिंधु घाटी के शहर नगर योजना प्रणाली के लिए और सीधी सड़कों के लिए, पक्की ईंटों के मकान के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलिए जापान की संसद को कहते हैं, तो जापान की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों, डायर कहते हैं, डायर। ठीक है, सॉरी डायट कहते हैं। ठीक है गाइस, तो डायट कहते हैं जापान की संसद को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अच्छा आप बताइए अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली कहते हैं। ठीक है, बंगाल की संसद को क्या कहते हैं, बंगाल की संसद को कहते हैं जातीय संसद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, ये भी कई बार आ जाता है। तो पाकिस्तान की संसद को कहते हैं मजलिस ए शूरा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है भाई। थाईलैंड की मुद्रा है, तो थाईलैंड की मुद्रा क्या है, बट, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ, चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ, तो सही आंसर रहेगा बिल्कुल एक गणतंत्र की स्थापना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं कब आरंभ की थी, तो चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं जो थी वो आरंभ की थी सन 206 ईस्वी में, तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था, सबसे पहला खलीफा कौन था, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी अबू बकर, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है, सही आंसर रहेगा दोस्तों इराक में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, ताशकंद शहर कहाँ स्थित है, ताशकंद शहर कहाँ स्थित है, तो ताशकंद शहर दोस्तों स्थित है उज्बेकिस्तान। देखिए ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी एक्चुअली, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है उज्बेकिस्तान, जो कि 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद समझौता, शांति समझौता हुआ था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, हो ची मिन ने किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, कौन सा एक देश अभी भी राजा द्वारा शासित है,
अभी भी राजा द्वारा शासित है दोस्तों सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, सऊदी अरब एकमात्र देश है जहां देश अभी भी राजा द्वारा शासित होता है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति किसकी शिक्षाओं से प्रेरित थी? बताइए, प्रेरित या प्राप्त की? प्राप्त की। तो इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल, रूसो से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वाटरलू कहाँ स्थित है? तो वाटरलू दोस्तों स्थित है बेल्जियम में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, चलिए, लेडी विद दी लैंड लैंड किसे कहा जाता है? ये लैंप होना चाहिए, लेडी विद दी लैंप। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, लेडी विद दी लैंप किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ था? बिल्कुल, यहूदी विरोधी नीति, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? चिकित्सा का। तो ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, डचों के कार्नवाल कौन है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी कैमिला। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल, रोमेल इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूनाइटेड किंगडम एक उत्तम उदाहरण है? बिल्कुल, संवैधानिक राजतंत्र का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति आरंभ हुआ? बास्टिल इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोर्सिका द्वीप संबंधित है? कोर्सिका द्वीप संबंधित है नेपोलियन बोनापार्ट से। तो इसका सही आंसर आप ऑप्शन ए लगाएं, सॉरी सी लगाएंगे। ठीक है, विश्व का बसा हुआ सबसे पुराना शहर है? तो विश्व का सबसे पुराना शहर है दोस्तों सीरिया की राजधानी दमिश्क। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, याद रहेगा। तो गाइज, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसका मैं एक पार्ट और लेके आऊँगा। और वैसे हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहले उसको कंटिन्यू करेंगे, फिर बीच में एक दिन फिर से मैं एक पार्ट लेके आऊँगा जिसमें मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कवर करा दूंगा। ठीक है गाइज, तो आप इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं गाइस, तो पूरा प्रोसेस मैं एक बार बता देता हूँ फटाफट। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होता है कि सर प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों लें। देखिए यार, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी आपको,
अगर हम यहाँ पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, तभी आपसे चार्ज किए जा रहे हैं। अदरवाइज़ तो हम फ्री में तो आपको यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बट देखिए, यूट्यूब की मेन प्रॉब्लम यही होती है कि आप रेगुलरिटी के साथ में, डेडिकेशन के साथ में नहीं पढ़ाई कर सकते। अगर ऐसी पढ़ाई करते तो जो हमारे फॉर्म भरे जा रखे हैं, करोड़ों फॉर्म भरे जा रखे हैं, 2-2.5 करोड़ फॉर्म भरे जा चुके हैं इसमें, मतलब भरे गए थे, तो उनकी तरीके से ही आप अगर तैयारी करते हैं तो वो आपकी एक जनरल तैयारी है। यानी कि जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही आप कर रहे हैं, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी तैयारी को कुछ अलग लेवल पे ले जाना है तो भाई कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जितने भी स्टूडेंट के पास टाइम कम है और वो चाहते हैं कि हमें रोज़ रोज़ क्लासेस ढूंढनी ना पड़े, नोटिफिकेशन का चक्कर हट जाए, PDF का चक्कर हट जाए, सामने बैठ के लाइव टीचर से बात कर सकें, जो भी डाउट आए एकदम से पूछ सकें, हर क्लास एकदम से बिल्कुल रेडी मिले, तो भाई आपके लिए ही प्लस सब्सक्रिप्शन बना है। ठीक है, जिनके पास टाइम कम होता है या तो जॉब के लिए होते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं भाई, अभी कुछ कमाते भी नहीं है और वैसे भी मतलब पूरा दिन उनको कुछ काम नहीं है, तो वो आराम से यूट्यूब से वीडियोस ढूंढ ढूंढ के पढ़ लेता है। ठीक है, वो एक मेहनत का काम है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब से आप नहीं कर सकते, यूट्यूब से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर 100% सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है गाइज। कहीं पे कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे आपको आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी आएंगे तो बस एंटरटेनमेंट करने के लिए आएंगे, अदरवाइज जब आप एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो एक अलग ही लेवल का माइंड आपका चेंज हो जाता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि अब मैं तैयारी कर रहा हूँ सिलेक्शन के लिए, अभी तक मैं तैयारी कर रहा था जैसे भी कर रहा था, बट जब से आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेके क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट करते हैं उस समय आपको महसूस होता है कि मैं आप तैयारी कर रहा हूँ सिलेक्शन के लिए। तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले। जैसे आप उस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल में, उसके बाद आपके सामने आता है कुछ इस तरीके का एक पेज आ जाता है। उसमें अपना पहले तो आपको मोबाइल नंबर भरना होगा, मेल आईडी, फिर लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइनें होगी, उस पर क्लिक करके अपना रेलवे एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है। बाकी आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तब भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको 3 या 6 मंथ वाला कोर्स सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है पेमेंट करने का, पेमेंट करते टाइम आपको ये वाला कोड यूज करना है, Saurabh11। इस कोड को जैसे ही आप यूज करते हैं, अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपकी फीस 10% से कम हो जाती है। आपको कोई भी डाउट आती है परचेज करने में तो मैं आपको एक अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे देता हूँ, आप इस पर अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, 8279711646। ठीक है, आप मुझे इस पर एक बार मैसेज कर देना कि सर कैसे ज्वाइन करना है, तो मैं आपको ज्वाइन प्रोसेस डायरेक्ट बता दूंगा। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और भाई सिलेक्शन लेना ही लेना है, वो वाली बात आप में है, NTPC हो, चाहे ग्रुप D हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, तो सब जगह सभी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट हैं, आप इस कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बता देना जो भी लेने में इंटरेस्टेड होगा, नंबर मैं दे ही चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बोल सकते हैं अगर कोई डाउट आता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।